गुड इवनिंग एवरीवन, यू आर वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हंस वाहिनी क्लासेस पल्लू हनुमानगढ़। लेट अस स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास। वी वर रीडिंग एडवर्ब, यानी हम पढ़ रहे थे एडवर्ब। हम क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे। क्रिया विशेषण में हमने ये देखा था कि क्रिया विशेषण के क्राइटेरिया है वो तीन है। कौन कौन से है? मीनिंग, फॉर्म, फंक्शन। तो हम कल बात कर रहे थे मीनिंग और फॉर्म, लास्ट में फॉर्म पर चल रहे थे कि रूप के आधार पर एडवर्ब का क्लासिफिकेशन। तो हम आज फिर आगे शुरू करते हैं उसी रूप के आधार पर, फॉर्म के आधार पर। तब तक आप चैनल को यानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप बेल आइकन भी क्लिक करें। बेल आइकन क्लिक करोगे तो आपके पास नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। तो चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। आज मैंने फॉर्म के आधार पर यानी कुछ एक एग्जाम्पल कलेक्ट किए हैं, एडवर्ब के, कि किस प्रकार से फॉर्म के आधार पर ऐसे शब्द आपके एडवर्ब बन सकते हैं। तो देखो एलवाई वाले तो हमारे पास असीमित एग्जाम्पल है कि हमारे पास बहुत सारी जो एडजेक्टिव है उन एडजेक्टिव यानी लगभग एडजेक्टिव है उनके आगे एलवाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब तैयार हो जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं अपने किस प्रकार का फॉर्मेट है और किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है हमने तैयार किया है। कि सबसे पहले हम देखो फॉर्म के आधार पर यानी फॉर्म को अपने दो भागों में बांटते हैं। एक तो है सम कॉमन सुफिक्स टू फॉर्म एडवर्ब, यानी सुफिक्स लगा के, क्या लगा के? सुफिक्स यानी परते लगाकर, यानी कोई भी शब्द है उसके आगे आप परते लगाइए और आपका एडवर्ब तैयार हो जाएगा। और दूसरा है कंपाउंड एडवर्ब। कंपाउंड एडवर्ब होते हैं संयुक्त, संयुक्त एडवर्ब यानी उसमें दो शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे नाउन एडजेक्टिव हो गया, नाउन प्रीपोजिशन हो गया या फिर प्रीपोजिशन एडवर्ब हो गया, उस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहला अपना है सम कॉमन सुफिक्स। सुफिक्स क्या होता है? परतियों के आधार पर, यानी परतियों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलवाई की। किसकी बात करते हैं? अपने एलवाई की, कि हमारे पास एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ आप एलवाई परते लगाओगे तो आपका क्या तैयार हो जाएगा? एडवर्ब तैयार हो जाएगा। तो कुछ एक एडजेक्टिव अपने उदाहरण के रूप में लिए हैं, ब्यूटीफुल, स्लो, फ्रीक्वेंट, जनरल, नेचुरल, केमिकल, टेक्निकल, प्रैक्टिकल, क्रिटिकल, मैजिकल, लॉजिकल, डिजिटल और पर्सनल। ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो एडजेक्टिव के हैं और इनके साथ आप एल लगाते, एलवाई लगाते जाओ। ब्यूटीफुल के साथ एलवाई लगा लिया, ब्यूटीफुल। स्लो एलवाई स्लोली, फ्रीक्वेंट एलवाई फ्रीक्वेंटली, जनरल एलवाई जनरली, नेचुरल एलवाई नेचुरली, केमिकल केमिकली, टेक्निकल टेक्निकली, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली, क्रिटिकल क्रिटिकली, मैजिकल मैजिकली, लॉजिकल लॉजिकली, डिजिटल डिजिटली, पर्सनल पर्सनली। यानी एलवाई लगा के आप एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, यानी आपके पास क्या है? एडजेक्टिव है और एलवाई लगा दिया तो क्या बन गया? एडवर्ब। तो ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल है। क्या एलवाई लगाने से एडवर्ब बन जाएगा? तो इसके लिए हमने पिछली क्लास में, कल की क्लास में अपवाद भी पढ़े थे, कुछ अपवाद। वो अपवाद कौन कौन से थे? जैसे कई अपवाद, यानी एक तो फ्रेंड है और इसमें एलवाई लग गया, फ्रेंडली हो गया। सिक है, एलवाई लग गया। लाइक है, एलवाई लग गया। अनलाइक है, एलवाई लग गया। ठीक है, गुड है, एलवाई लग गया। डेड है, एलवाई लग गया। यानी एलवाई लगे हुए हैं। क्या ये एडवर्ब है? बिल्कुल नहीं, ये सारे क्या है? आपके एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। तो एक्सेप्शन हो गया कि नहीं हो गया? यानी इस जो एक नंबर आप एलवाई वाले सफिक्स की बात कर रहे हैं कि एडजेक्टिव के साथ एलवाई लग के एडवर्ब बन रहा है, परंतु ये तो नहीं था, एलवाई है परंतु एलवाई एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है सारे के सारे। तो ये पिछली क्लास में आपने पढ़े भी थे। अब देखो आगे दो नंबर की बात करते हैं अपने। दो नंबर में एक तो वार्ड शब्द किसी नाम के आगे यानी नाउन के आगे, ये लगभग किसके आगे लगता है? नाउन के आगे वार्ड लगता है, या फिर अपने यूं कह सकते हैं एडवर्ब के आगे भी लग सकता है। और वार्ड लगाने के बाद वो क्या बन जाएगा? आपका एडवर्ब तैयार हो जाएगा। और एडवर्ब तैयार होगा वो कौन सा होगा? दिशा वाला, डायरेक्शन वाला। और ये देखो
नॉर्थ के साथ लगे वार्ड, नॉर्थ वार्ड, साउथ वार्ड, ईस्ट वार्ड, वेस्ट वार्ड, बैक वार्ड, इन वार्ड, आउट वार्ड, अप वार्ड और डाउन वार्ड। तो इस प्रकार से ये आपके साथ आपके शब्द तैयार होंगे और ये दिशा के लिए है और ये सारे के सारे क्या है, एडवर्ब है। क्या ये एडवर्ब है? जैसे आप बैकवर्ड, बैकवर्ड भाई एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास है बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो बैकवर्ड इस नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये बैकवर्ड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी ये शब्द आपके एडवर्ब तो है परंतु इनके साथ नाउन लगाकर, यानी एक दो ऐसे शब्द है जिनके साथ नाउन लग जाए और वो नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो वार्ड वाले शब्द दिशा बता रहे, नॉर्थ वार्ड उत्तर की ओर, साउथ वार्ड दक्षिण की ओर, ईस्ट पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, पीछे की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, ऊंचे और नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, इस प्रकार से इनका बनता है, दिशा की ओर बताते हैं। तीन नंबर देखो, वे लगा हुआ है, नो वे, एनी वे, सम वे, ऑलवेज, यानी एस हो भी सकता है ऑलवेज, तो ये भी आपके क्या है, एडवर्ब है। यानी देखो नो के साथ वे लगा हुआ है, एनी के साथ वे, सम के साथ वे है और ऑल के साथ वेज लगा हुआ है, तो ये आपके एडवर्ब हो गए, ठीक है ना। अब नीचे देखो, लॉन्ग लगकर आपके एडवर्ब तैयार हो रहे हैं। जैसे हेड है तो हेड लॉन्ग हो गया, साइड लॉन्ग हो गया। क्या लॉन्ग अंत में लगा हुआ वो एडवर्ब होगा? बिल्कुल नहीं भाई। जैसे एक तो बिलोंग शब्द देखो आप, बी के साथ लॉन्ग लग रहा है और एक ए के साथ भी लॉन्ग लगता है, अलोंग, और ये दोनों क्या है, एडवर्ब नहीं, ये दोनों क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन है। तो कहने का मतलब ऐसा शब्द यानी फॉर्म की, ये फॉर्म एडवर्ब की है, क्या ये एडवर्ब की रहेगी? जरूरी नहीं। ऐसी फॉर्म जो लॉन्ग वाली है वो प्रीपोजिशन भी है। कौन सा? बिलोंग और अलोंग। उसी प्रकार जैसे वार्ड में यहाँ बैकवर्ड लगा दिया था, और ऐसे जनरली फ्रेक्वेंटली वहां पर हमने क्या किया था, गुडली, सिकली, लाइकली, अनलाइकली, डेडली, इस प्रकार से कर दिया था। आगे बात करते हैं अपने वाइज, वाइज लगा हुआ, नेम वाइज, क्लास वाइज, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। यानी ये नाउन के साथ लगा हुआ है वाइज, एंटी क्लॉक, क्लॉक, क्लास, नेम और उसके साथ वाइज लगकर आपका क्या तैयार हो गया, एडवर्ब तैयार हो गया। तो इधर देखो, एल वाई, वर्ड, वे, लॉन्ग और वाइज, ये चार पांच ऐसे पैटर्न है जिनके आधार पर आप क्या तैयार कर रहे हैं, एडवर्ब तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? एडवर्ब तैयार कर रहे हैं। तो ये आपके सुफिक्स वाले हो गए, ये परते, पांचों परते आपके कोई भी शब्द के आगे लगते हैं और आपका एडवर्ब बनकर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं बी नंबर की, यानी कंपाउंड एडवर्ब की, संयुक्त की। इसमें क्या है, देखो ये तो परते हैं, यानी एलवाई है, वर्ड है, देखो वर्ड का तो अलग से शाब्दिक अर्थ हो जाता है लेकिन यहां पर ये परते हैं, वे का रास्ता अर्थ हो जाता है लोग का, परंतु ये क्या है, परते, इनका यहां पर कोई अर्थ नहीं है, यहां पर इनका कोई अर्थ नहीं है, परंतु इधर देखिए कंपाउंड में जो शब्द होंगे दोनों स्वतंत्र शब्द होंगे और उसके बाद एक नया तैयार होगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर रूल को लेते हैं, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन और आपका क्या तैयार हो गया, एडवर्ब। यानी एक तो एडजेक्टिव है और दूसरा क्या है, नाउन, और बन गया एडवर्ब। देखो सम कुछ एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव पढ़ के आए ध्यान में, और टाइम्स नाउन है ही, और समटाइम्स हो गया तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यस्टर ये एडजेक्टिव है और डे के साथ जुड़ गया यस्टरडे, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। देखो यस्टरडे एडवर्ब भी हो सकता है और यस्टरडे नाउन भी हो सकता है, ये एग्जांपल आपने पिछली क्लास में देखा था। मिड वे, मिडवे, मीन टाइम, मीन टाइम, मीन वाइल, मीन वाइल, तो ये जो पांच चार शब्द है वो एडजेक्टिव नाउन से पहले आके एडजेक्टिव और नाउन दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, एडवर्ब बन रहे हैं। दो नंबर के अंदर देखो आप, यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, क्या है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और तैयार क्या हो रहा है आपका, एडवर्ब तैयार हो रहा है। जैसे ए प्लस फुट, एफुट, एफुट मतलब होता है ऑन फुट, यानी एफुट बराबर ऑन फुट, तो आप ये मान के चलो कि ए और ए बराबर ऑन, यानी ये प्रीपोजिशन ऑन है, मतलब ऑन और फुट, ऑन फुट पैदल के लिए आता है ना ऑन फुट, उसी प्रकार
प्लस नाइट टोनाइट, यानी ये टूनाइट ये प्रीपोजिशन है और ये आपकी क्या है नाउन है नाइट, और आपका टूनाइट बन गया एडवर्ब होगी। और प्रीपोजिशन है ए मतलब ओ ऑन, यानी यहां पर है ए बराबर क्या है ऑन है, याद रखना ये दोनों भी मान लो ए बराबर आपका क्या है ऑन है। ऑन प्लस स्लीप एस्लीप, ऑन प्लस हेड अहेड, तो ये आपके तैयार हो रहे प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और बन क्या रहा है आपका एडवर्ब एफुट टनाइट और बॉर एस्लीप अहेड, ये क्या है आपके एडवर्ब है, एडवर्ब के रूप में अपने इन्हें काम में लेते हैं। आगे तीन नंबर देखो, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव हो और बन क्या आ जाता है एडवर्ब, यानी ये तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन था और ये क्या है प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव है और बन जाएगा एडवर्ब। जैसे प्रीपोजिशन क्या ए, ए मतलब ऑन, यानी ए का मतलब क्या है ऑन है, तो ऑन बोर्ड यानी अबाउट, बी प्लस हाइंड बिहाइंड यानी बी बिफोर के लिए आता है, ठीक है बी बिफोर प्रीपोजिशन बी बिहाइंड हो गया, तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन एडजेक्टिव मिलकर क्या बन रहे हैं एडवर्ब बन रहे हैं, तो ये आपके संयुक्त यानी कंपाउंड एडवर्ब है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। आगे देखो, प्रीपोजिशन के साथ एडवर्ब जुड़ेगा, देखो ये प्रीपोजिशन नाउन से पहले था, ये प्रीपोजिशन एडजेक्टिव से पहले था, और प्रीपोजिशन एडवर्ब से पहले भी हो सकता है और उसके बाद एडवर्ब नया तैयार होता है, तो देखो विद प्रीपोजिशन है और इन यहां पर एडवर्ब, देखो इन एडवर्ब ही नहीं इन क्या है आपका प्रीपोजिशन भी है, परंतु यहां पर ये एडवर्ब है, तो विद इन विद इन हो गया, उसी प्रकार विद आउट विदाउट हो गया, बी फोर बिफोर हो गया, बी यानी बी नेट विनेट हो गया, टू दियर टीदर हो गया, टू ईयर इधर हो गया, टू वेयर विदर हो गया, फ्रॉम दियर डेंस, फ्रॉम ईयर हैंस, फ्रॉम वेयर वेहेंस, यानी एक प्रीपोजिशन और दूसरा एडवर्ब दोनों मिल रहे हैं और फॉर्म क्या तैयार हो रही है आपका एडवर्ब भी बन रहा है। उसी प्रकार पहले एडवर्ब, देखो इसमें तो प्रीपोजिशन पहले बाद में एडवर्ब है, एडवर्ब पहले और प्रीपोजिशन बाद में, देखो दियर बाई हियर बाई हियर बाई, यानी ये शब्द भी बन सकते, तो दियर और हियर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके साथ कई प्रीपोजिशन लग सकते हैं, यानी डियर और ईयर के साथ कई प्रीपोजिशन लग सकते हैं, एक तो डियर बाई तो हो ही गया, यहां पर भी डियर बाई तो हो ही गया, डियर फ्रॉम भी हो सकता है, डियर इन भी आपका तैयार हो सकता है, डियर ऑफ भी आपका तैयार हो सकता है, डियर ऑन भी आपका तैयार हो सकता है, Dear to, dear with, यानी इस प्रकार से ये जो dear from, dear in, dear of, dear on, dear to, dear with, ये जो शब्द है, ये जो छह शब्द है, ये आपके किसके साथ dear adverb है, और इसके बाद जो शब्द आ रहे हैं from, in, of, on, to, with, ये सारे क्या है preposition है, और तैयार क्या हो रहा है आपका adverb तैयार हो रहा है, बिल्कुल adverb तैयार हो रहा है, ठीक है भाई, तो अपने कर ही लिया। और अब जैसे ये शब्द है, इसके साथ भी कुछ शब्द जोड़े जा सकते हैं, हियर के साथ भी कुछ शब्द आप जोड़ सकते हैं, जैसे मान लो हियर बाई, हियर आफ्टर, हियर इन, हियर अपॉन, हियर विद, हियर बाई, हियर आफ्टर, हियर इन, हियर अपॉन, हियर विथ, एक हो गया, यानी दो शब्द है, देखो यानी इधर वाला एडवर्ब, इधर वाला प्रीपोजिशन, एडवर्ब प्रीपोजिशन, एडवर्ब प्रीपोजिशन, एडवर्ब प्रीपोजिशन, एडवर्ब प्रीपोजिशन, और ये जब मिलता है तो कंपाउंड क्या बन जाता है एडवर्ब, कंपाउंड एडवर्ब बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा जैसे ये वहर शब्द है, इसका भी हो सकता है जो वहर ये पहले हो, वहर पहले हो तो एडवर्ब तैयार होते, तो वो आपको मैं तैयार करके बताता हूं, ये शब्द हो गए आपके
वेयर इन हो सकता है, शायद कई बार आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह पढ़ा है तो वहां पर आया होगा। वेयर ऑन भी हो सकता है, वेयर ऑफ भी हो सकता है, वेयर फॉर भी हो सकता है। तो ये भी आपके क्या है, एडवर्ब। और कौन से एडवर्ब है, यानी आपकी ये एडवर्ब और प्रीपोजिशन जुड़ के क्या बन रहे, कंपाउंड एडवर्ब। तो ये चार पांच पैटर्न, इधर चार पांच पैटर्न आपने सुफिक्स के किया है और इधर चार पांच पैटर्न है वो आपने कंपाउंड के किए। तो ये फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म है, यानी फॉर्म के आधार पर आपका एडवर्ब है। इसके कुछ एग्जांपल आपने देखे हैं कि ऐसे ऐसे एग्जांपल आपके क्या हो सकते हैं, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण हो सकते हैं। और जरूरी नहीं कि यह क्रिया विशेषण ही हो, इसमें अपवाद भी है। इसमें आपको बताया था गुडली, लाइकली, डेडली, अनलाइकली, इस प्रकार से जो शब्द आ जाते हैं, सिकली है, फ्रेंडली आ गया। और यहां जैसे नॉर्थ वार्ड, ये तो चल ही रहा है, नोवे, एनीवे, ये हो गया अपने जैसे, हाँ ये हेडलॉन्ग, साइडलॉन्ग, ये एडवर्ब है। परंतु बिलोंग और अलोंग ये प्रीपोजिशन हो सकते हैं। अब जैसे यहां ये बैकवर्ड है, इसके आगे जैसे क्लास आ गया, बैकवर्ड स्कूल आ गया, बैकवर्ड एरिया आ गया, तो ये एडजेक्टिव बन सकता है। और इधर वाला हमने किया है कंपाउंड के रूप में। तो ये सारा का सारा डिटेल से आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे शब्द है। देखो इन शब्दों की तो कोई जरूरी नहीं कि ऐसे तो शब्द बहुत सारे, परंतु ये भी एक आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप गहराई में जाना चाहते हैं। तो आज की क्लास को अपने यही संपन्न करते हैं, जो किसके आधार पर थी, केवल और केवल फॉर्म के आधार पर थी, फॉर्म के आधार पर थी। और अगली क्लास होगी हमारी फंक्शन के आधार पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लॉन्ग है, लंबी क्लास है। और डिटेल से समझने के लिए आपको आने वाली सभी क्लासों को, यानी एडवर्ब अगर ढंग से समझना है तो आने वाली सभी क्लासों को ढंग से आपको देखना होगा, नियमित रूप से आपको देखना होगा। अब तक आपने इस क्लास को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।